الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله حسيبا وكيلا सदर इजलास सदर जमिया शहरी जमात बनारस के जिम्मेदारान स्टेज पर मौजूद हमारे फजला कराम और दुआत और मुबल्लिगीन के सारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें और आपको एक ऐसा मौका अता किया। और अल्लाह ताला के बाद अपने इन तमाम साथियों का जिसका मैंने तज़किरा किया, चाहे उलमा फुज़ला हों या जमात के जिम्मेदारान हों, सदर और सिक्रेटरी या जो तमाम हजरात हैं हाज़रीन, इस सब शुक्रगुजारी के मुस्तहिक हैं जो अपना कीमती वक्त सर्फ किया और यहाँ हाजिरी दी और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी और तमाम अहबाब के खुशामदीद कहने के बाद ये बड़ा महदूद टाइम है, चंद बातें आपके सामने हम रखते हैं। हमारी शहरी जमीयत बनारस की शुक्रगुजारी की मुस्तहिक इस पुरफितन दौर में जहाँ दुआत हक उलमाए रब्बानी महदूद दायरे में हैं और उलमाए फुसाक दुआत इला अबवाब नार और इस किस्म की बे इंतहा दुआत सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आज दुनिया पर शाये हुए हैं, बहुत ही ज़रूरत है इस बात की, ज़रूरत थी कि दुआत और मुबल्लिगीन की तरबियत का इंतजाम किया जाए। हमारी शहरी जमीयत बनारस इस बाब में उसने सबकत किया, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उनकी खिदमात को कबूल करें और इस किस्म के बराबर वो प्रोग्राम करते रहें और पूरे हिंदुस्तान के लोग इससे इबरत और नसीहत हासिल करें और ऐसे प्रोग्राम जिसमें तरबियती दुआत मुबल्लिगीन आइम्मे मसाजिद इनकी तरबियत की जाए और दावत तबलीग के उसलूब और ज़रूरियात उनसे उनको आगाह किया जाए, इस पर सब लोग कदम बढ़ाएं। हमें याद है कि पूरा हिंदुस्तान इस मामले में बड़ा ही लापरवाही से काम लिया। जमीयत ने सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई आइम्मे मसाजिद मुअज्जिनीन दुआत और मुबल्लिगीन का सालाना दो दिन का प्रोग्राम तरबियती रखा करती है। ये दूसरी जमीयत बनारस की है जिसने शुरू किया है, अल्लाह ताला इनको भी मजीद तौफीक दे और कुदवा इनको बनाए। दोस्तों, हमने जो कुछ कहने के लिए सोचा है उसी के मुताबिक हमने कुरान पाक सूरह अहज़ाब की चंद आयात तिलावत की हैं और मेरा ख्याल है ये आयात आप तमाम लोगों को हिफ्ज़ होंगी। इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाई आदम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सिफात और खूबियां बयान की हैं और नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम की कुछ जिम्मेदारियों का तस्करा किया।
बहुत सारी कुरानी आयात थी मेरे सामने, मैंने जमा भी किया, लेकिन क्योंकि वक्त साथ नहीं देगा हमने इसी आयत को मुंतखब किया। और इसलिए हमने मुंतखब किया कि मोहम्मद सल्लम को जो अल्लाह ताला ने खूबियां दी, तो उसलूब और तरीके आपको सिखाए बताए। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में और उसके बाद भी क़यामत तक उलमा के अंदर वो खूबियां आनी चाहिए। और यही वो चीज है जिसका तज़किरा नबी अलैहिस्सलाम एक जुमले में किया था, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन आयात में अल्लाह ताला सल्लम की पांच सिफात बयान की। और अगर आप गौर करेंगे और हम वाजे करने की भी कोशिश करेंगे, ये पांचों खूबियां जो अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लम की बयान किया, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इला अल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, ये पांच। अगर किताब व सुन्नत का मुतारा किया जाए तो तकरीबन यही खूबियां उम्मत के दुआत के अंदर भी अल्लाह ताला ने जरूरी करार दिया। और कुरान पाक के मुख्तलिफ मकामात पर के मुतअद्दिद नुसूस में अल्लाह ताला ने और नबी साहब इसकी निशानदेही की कि खूबियां तुम्हारे अंदर भी आनी चाहिए। पहली खूबी दोस्तों अल्लाह ताला ने जो अपने नबी की बयान की, शाहिदन की है, या अय्युहन्नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमारे नबी हमने आपको शाहिद बनाया है। शाहिद का मतलब गवाह के होता है, लेकिन गवाही के लिए इल्म का होना बहुत जरूरी हुआ करता। इसीलिए बाज अहले इल्म ने इसकी तफसीर में जो कुछ कहा वो ये कि जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास। और अगर कभी मजीद आप मालूमात चाहें, सूरह हज की आखिरी आयात वजाहिदू फिल्लाहि हक जिहादिहि वस्तबाकुम, सूरतुल हज की आखिरी आयात का मुतारा करेंगे तो वहां भी अल्लाह ताला ने नबी के साथ उम्मत के उलमा को, जिम्मेदारों को भी शाहिद कर। हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी दुआत की यह है कि हमारी निगाह मुआशरे पर होनी चाहिए, माहौल पर होना चाहिए। क्या कुफ्रियात और शिरकियात, क्या मुहदसात और बिदआत, और किस तरह के रस्म रवाज गालिब आ रहे हैं, और इस्लाम को किस तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये हम दुआत की जिम्मेदारियों में से पहली जिम्मेदारी है। या अय्युहन नबी, हमारे नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, हमने आपको शाहिद बनाया। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लम की तुफैल में हम तमाम उम्मतियों खुसूसन उलमा को, दुआत को शाहिद बनाया है, हमारी ये जिम्मेदारी है। और ये भी याद रखे दोस्तों, कयामत के दिन ये ऐसी जिम्मेदारी है, इस क़यामत के दिन इस जिम्मेदारी के मुतालिक अल्लाह ताला सवाल करेंगे। सूरत आराफ की इब्तदाई आयात में आप गौर करेंगे, अल्लाह ने फरमाया فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, दाई से भी पूछा जाएगा इनको तुमने क्या बताया, क्या देखा, कितनी इस्लाह की, वलनसअलन्नल मुरसलीन, और उधर उम्मतियों से भी मुरसलीन जिनकी तरफ दावत पहुंचाई जा रही है अल्लाह ताला नबी के जरिए पहुंचाए, या नबी के वारिसिन उलमा के जरिए पहुंचाए, सबसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा। इसीलिए बाज अहले इल्म ने सही बुखारी और मुस्लिम की जो रवायत बड़ी मशहूर है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, बास मुफस्सिरीन ने, बास अहले इल्म ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु की इस रवायत में इस हदीस को बयान करने के बाद कि बाप
बादशाह को उसके रियायत के बारे रियाया के बारे में पूछा जाएगा, बाप को और आदमी को उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक, बाप को औलाद के मुताबिक, माँ को औलाद के औलाद और शौहर के मुताबिक सारी चीजें बयान करने के बाद इस आयत की तिलावत किया, हम सबसे सवाल करेंगे। तो मैंने ये चीज इसलिए आप हजरात के सामने रखी कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी नबी अलैहि सलातो सलाम उसवे में है कि हम आंख ना बंद करें, हम सोए ना रहें, हम बेदार रहे, हमारी पूरी निगाह मुआशरे पर होनी चाहिए, किस जगह क्या बुराई हो रही, क्या मुनकरात हो रहे। और गालबन इसी के साथ हम हवाला दे दें जो मोहतरम डॉक्टर जुनेद मक्की साहब ने इशारा किया कि नबी अलैहिस्सलाम के खुतबे का यही तरीका था। हफ्ते भर क्या हो रहा है मुआशरे में, जुमे के दिन नबी अलैहिस्सलाम खुतबे में उसको मौजू सुखन बुना बनाते, उसके मुतालिक पुरानी आयात पूछते, पुरानी आयात पेश करते, लेकिन नाम लेने के बजाय फरमाते क्या हो गया है, लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। ये यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको शाहिद बनाया तो आप पूरी निगरानी रखते थे। हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी दोस्तों यही है। नंबर दो, अल्लाह ताला ने आपको बशीर बनाया, मुबशरन, अल्लाह ने आपको मुबशिर बनाया। मुबशिर दो तरह से, दो चीजों की बशारत आप देते रहे। नंबर एक, जैसे कि सूरतुल कहफ और सूरत इसरा की इब्तदाई आयात में मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी जिम्मेदारी रखी थी कि जो लोग ईमान और अमल सालेह करें, जो शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं, आप मजीद उनके अंदर नेक अमल करने का जज्बा पैदा होगा। नंबर दो, जो लोग नेकियां नहीं भी कर रहे हैं या बहुत सारी नेकियां छोड़ रहे हैं, जो आमाल सालिया और जो हसनात लोग नहीं कर रहे हैं, लोगों के सामने उनका तस्करा किया जाए, जिसको तरगीब कहा जाता है, और वो सारे नुसूस और वो सारे फदाइल उनके सामने बयान किए जाएं, ताकि जो जिनके दिलों में नेकी का शौक और जज्बा नहीं है, उनके अंदर उस अजर व सवाब को सुन करके नेकियां करने का जज्बा पैदा हो जाए। सवाल ये है, ये तो नबी का मिशन था। नबी अलैहि सलातो सलाम के मुतालिक अल्लाह ने आपकी दूसरी खूबी बयान की, बशीर थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अहादीस को और कुरान पाक का मुतारा करेंगे तो बहुत सारे नुसूस में ऐसे है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बशरू वला तुनफिरू। ठीक है, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बशीर बनाया, नबी की तुफैल में उम्मतियों को भी बशीर बनाया। बशरू वला तुनफिरू, यस्सरू वला तुअस्सरू, ये इस बात की दलील है कि ये सारी खूबियां जो अल्लाह ने बयान की है, हम दुआत के अंदर आना उसकी जरूरी है। नंबर तीन, व नजीरा, अल्लाह ताला ने आपको नजीर बनाया। नजीर उसकी दो शक्लें अहले इल्म बयान कर, नंबर एक, अगर आपकी निगाहों के सामने कुछ लोग मुनकरात कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, कुफर कर रहे हैं, बिदात कर रहे हैं, तो दुआत की जिम्मेदारी को नजीर बन जाए और फौरी तौर पर उसको रहनुमा, उसको टोकरें बताएं, और वो अहादीस और वो कुरानी आयात पेश करें जिसमें उसकी वईद सुनाई गई है नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर जो वईद सजाएं बयान किए उनका तस्करा होना चाहिए। और यही वो चीज है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया, फदक्किर बिल कुरान मन यखाफ वईद, ए नबी आप लोगों को जो हमसे डरने वाले उनको वईद सुनाया करें। ये बात मैंने इसलिए कह दिया, आज बर्रे शगीर में तकरीबन तीन जमातें हैं जो हम कह सकते हैं बड़े
जोर शोर के साथ दावत का काम कर रही है। कोई सिर्फ बशीर रह गया, कोई सिर्फ नदीर रह गया, लेकिन दोनों को हमारा मनहज नबी का जो तरीका है दोनों बवक्त जरूरत एक साथ लेके चलना है। आपको बशीर भी बनना है और नदीर भी बनना है। पूरे कुरान पाक को देखो, जहां अल्लाह नबी को बशीर कहा वहीं नजीर भी कहा। और कुरान पाक की आयात हैं, हमें सबके सामने पेश करना चाहिए। हमने मौजू इसलिए छेड़ा कि हमारे यहाँ बरे सगीर में एक जमात है, बड़ी दावत का तज़किरा, दावत और तबलीग में बहुत आगे आगे है। हमारे मोहतरम दुक्तूर जुनेद साहब ने बयान भी किया, नाम भी लिया गया, लेकिन सारा मामला फदाइल का है। ऐसा फदाइल, ऐसा फदाइल, ऐसा फदाइल, इतनी फजीलत बयान करो कि फजीलत के नाम पर झूठ भी बोले तो कोई मुदा का कोई हर्ज नहीं, बल्कि वो भी अजर सवाब। तो सिर्फ बशीर नहीं, बशीर भी है, उनके यहाँ नजीर नहीं है। नहीं, लोग डर जाएंगे तो हमारे करीब नहीं आएंगे, एक गिरोह तो ये है। दूसरा गिरोह जो हमारे यहाँ दावत तो तबलीग में बड़ा पेश होता है, पूरी कोशिश उसकी है दोस्तों, पूरी कोशिश उसकी है कि पूरी इंसानियत को कब्रों से जोड़ दे, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दरगाहों से जोड़ दे। वहां मामला इसका नहीं है कि तौहीद हो या हक बात कही जाए, पूरा जोर उसका है कि पूरी उम्मत को दरगाहों और औलिया से जोड़ दिया जाए और ऊपर वाले से सारा कनेक्शन उसका तोड़ दिया जाए। ये एक है। और एक बड़ी और जमात है जिसका ये कहना है कि नहीं, सिर्फ सियासत की गुफ्तगू करो, तौहीद भी ना बयान करो। क्यों? तौहीद से इख्तलाफ होता है, बिदात की मजम्मत ना करो, चूंकि बिदात से इख्तलाफ होता है। सवाल यह है कि जब नबी अलैहि कुल्लो बिदअति दलाल अपने साथ में, कुल्लो दलालतिन फिन्नार, इतनी बड़ी वही और क्या हो सकती। हमारा कलमा गो मुसलमान भाई बिदात और शिर्क करके जहन्नम में जा रहा हो, हम उसको ना टोकें, उसको ना बताएं, तो ये नबी का मिशन नहीं था। अल्लाह ने आपको बशीर भी बनाया तो आपको नजीर भी बनाया है, और यही चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए दोस्तों। नजीर भी बने और आप बशीर भी बने, जैसे जरूरत पड़े, जैसे मौका हो, आप मौके महल और माहौल और जरूरत को देख करके नबी का ये तरीका अपनाएं। जहां जरूरत है बशीर की, बशीर बने, और जहां जरूरत है नजीर की, वहां नजीर बने। एक साथ आपको लेके चलना है, आप शाहिद हैं, आप बशीर हैं, और आपको नजीर भी बनना है। नंबर चार बड़ी अहम दोस्तों, वदाइयन इलाल्लाह बिइज़्निही, वदाइयन इलाल्लाह बिइज़्निही। अल्लाह ताला ने आपको दाई बनाया है, लेकिन दाई मदऊ कौन होंगे, मदऊ को क्या दावत देना है, वह असल में यहां महल्ले गौर बात है। दावत तो बहुत हो रही है, अभी आपने सुना एक दावत पूरी यही है कि आसमान वाले को छोड़ करके नीचे वालों से जोड़ दिया जाए। एक दावत यह भी है पूरी उम्मत को दीन से हटा करके सिर्फ सियासत से कुर्सी से जोड़ दिया जाए। एक का ये तरीका है कि सिर्फ पूरी कोशिश उसकी ये है कि फजाइल के नाम पर भीड़ जमा कर लो, अल्लाह अकबर, और इसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ भी काबिले अजर सवाब हो जाए। दावत दाई बनना है तो दावत किस चीज की देना है, दाइयन इलाल्लाह बिइज़्निही, अल्लाह ताला के हुक्म से आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। दीन के वदाइयन इलाल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं, अल्लाह के रसूल की इताअत की तरफ बुलाएं, अल्लाह की मुकर्रर करदा शरीयत और अल्लाह के मुकर्रर करदा अहकाम और मसाइल जो हैं उनकी तरफ आप बुलाएं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अगर किसी इंसान ने गैरुल्लाह की तरफ बुलाया वो दाई नहीं हो सकता। किसी ने सिर्फ कुर्सी और सियासत की दावत दी, बाकी सारे अहकाम को छोड़ दिया, ये कह करके इससे उम्मत में इख्तलाफ होता है, तो वो दाई गैरुल्लाह नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुए मिशन और आपके तरीके, आपके उसवा को से वो हटा हुआ है इंसान। इसीलिए दोस्तों इस पर दरागर वदाइयन इलाल्लाह, नबी को दाई इलाल्लाह बनाया है।
अल्लाह के हुक्म से लोगों को दावत देते हैं, अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं। नंबर पांच बड़ी अहम चीज है, वह सिराजम मुनीरा, अल्लाह ने आपको सिराज मुनीर बनाया। ये जो पांचवी सिफत है दोस्तों, इसका भी तज़किरा कुरान पाक के मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ने किया है। सिरा अल्लाह ने आपको सिरा, कहीं नूर कहा है, कहीं सिराज कहा है, आपको सिराज मुनीर करार दिया। बड़ी इत्तफाक उलमा, नबी की साथ जो है वो सिराज मुनीर नहीं है, वो नूर नहीं है। सिराज मुनीर आपकी लाई हुई तालीमात और हिदायत और किताब सुन्नत है। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिदवानहु सुबुल सलाम युखरिजु मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, ये सारे नुसूस है दोस्तों। तो यहां सबसे बड़ी चीज जो समझना है, सिराज मुनीर बइत्तेफाक उलमा, सिराज मुनीर से किताब सुन्नत और इस्लाम को जैसे अल्लाह ताला नूर बनाया बताया है, इस्लाम को, ईमान को, अल्लाह उसके रसूल के तात और फरमा बरदारी और किताब सुन्नत के जो के नुसूस हैं उनको अल्लाह ताला ने सिराज मुनीर बनाया है। इसलिए जरूरत इस बात की है हमारे दुआत सिराज मुनीर बने। और सिराज मुनीर कैसे बनेंगे, ये जाहरी वदाकता से नहीं बनेंगे, जाहरी वदाकता नहीं, आप किताब सुन्नत के आलिम बनेंगे और किताब सुन्नत का मुताला जारी रखेंगे। सबसे बड़ी बात, हमने जो बड़ा नक्श देखा है बात दुआत में रस्मी, उन्होंने मदरसे में पढ़ने के वक्त अंजुमन के अंदर जो तकरीरें करते रहे, आज हमारे यहाँ यहाँ भी कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने 10-20 तकरीरें वो नोट कर ली है, तैयार कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म थे, अब आलिम बने, मुतालिम थे, मुअल्लिम बन गए, एक आम आदमी थे, दाई मुबल्लिग बन गए। लेकिन उनकी दावत और तबलीग का महवर वही उनकी कापी होती है जो चंद तकरीरें उन्होंने अंजुमन के लिए तैयार की, उसके बाद आजाद। दोस्तों यही सबसे बड़ी नाकामी का सबब, हमेशा किताब सुन्नत का मुताला, हर वक्त जितना मौका मिले किताब सुन्नत का आप मुताला करें। ये किताब सुन्नत जितना आपके अंदर आया वही समझो कि आपके अंदर सिराज मुनीर पैदा, आपके अंदर नूर पैदा हो, और नूर ही यही जो आप लेकर के लोगों में आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला नूर के जरिए हिदायत देगा, लोगों को रोशनी मिलेगी। अब अल्लाह ताला ने जैसे नबी अलैहिस्सलाम को सिराज मुनीर बनाया, अगर आप गौर करेंगे तो अल्लाह ताला ने उम्मतियों को भी किताब सुन्नत के दुआत को भी तकरीबन अल्लाह ताला ने नूर ही बनाया है। अल्लाह अकबर। ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس, सूरह अनाम की आयत, अल्लाह फरमाते हमने उसको नूर दिया और नूर लेकर के लोगों में चल रहा है। सुभान अल्लाह, एक इंसान किताब और सुन्नत का आलिम बने और मैदान में दावत के लिए आए तो वही किताब और सुन्नत का नूर बन जाता है, नूर अल्लाह। फमन काना मुमिनन औ मन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, लोगों में चल रहा है। और इस सिलसिले में अल्लाह अकबर, कुरान पाक सूरत हदीद की आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वआमनु बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही वयज़अल लकुम नूरन तमशून बिह वयज़अल लकुम नूरन तमशून बिह। इमाम क़ुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने बात को तफ़सीर का कौल नकल किया, तफ़सीर की शायद की तफसीर है, अल रुश्द देगा, जो इल्म रुश्द लेकर के, इल्म हिकमत लेकर के लोगों में चलोगे और लोगों को दावत देते रहोगे, इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाते रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी को सिराज मुनीर बनाया और उनकी बरकत से, उनकी बरकत से जो उनके मिशन को इंसानियत के लिए लेके खड़ा होता है, दावत के लिए, तबलीग के लिए, उसको भी अल्लाह ताला ने नूर करार दिया। जरूरत इस बात की है दोस्तों हमारे अंदर ये नूर आ जाए, ये सिराज मुनीर बनना है। और यहीं से एक बात तमाम अहले इल्म ने कहा कि अच्छी तरह से याद रख ले, अच्छी तरह से उम्मत याद रख ले
कि सिराज मुनीर के अलावा किसी और के जरिए लोगों को हिदायत नहीं मिल सकती। जिसने किताब सुन्नत की दावत छोड़ दिया, किताब सुन्नत अपना मौजू सुखन ना बनाया, लोगों के तरदीद के लिए अकायद और आमाल की इस्लाह के लिए जिसने कुरान और सुन्नत को ना अपनाया, कितनी भी दावत देगा वो कभी दावत में लोगों को हिदायत नहीं मिल सकती। क्यों? एक ही चीज सिराज मुनीर बनाया अल्लाह ने, 50 नहीं बनाया। सिराज मुनीरा, जिसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म होगा उसी के पास सिराज मुनीर है, और वही सिराज चिराग जब लोगों में पहुंचाएगा तो लोगों को रोशनी मिलेगी, लोगों को हिदायत मिलेगी। आज पता नहीं लोगों ने दावत के लिए क्या, किसी ने किस्सा कहानियां, किसी ने करामतें, किसी ने पता नहीं क्या क्या कर रखा है, झूठी मौजू रवायतें, नऊज बिल्लाह मिन दालिक। इसलिए उम्मत की इस्लाह कम हो रही है। जरूरत इस बात की है दोस्तों कि हमारे दुआत सिराज मुनीर बने, और सिराज मुनीर कब बनेंगे, जब किताब सुन्नत का मुताला। देखिए हमारे सलफ कहते थे आदमी मदरसे में पढ़ने से आलिम नहीं बनता, बल्कि आलिम बनने का रास्ता दिखाया जाता है। आलिम बनता है मदरसे से निकलने के बाद, जब इंसान किताब सुन्नत का इल्म का मुताला करता है तब आदमी बड़ा से बड़ा आलिम, शेखुल हदीस, वाइज और खतीब, मुहद्दिस और मुफस्सिर, मदरसे से नहीं बनता, मदरसे से निकलने के बाद अगर वो इल्म से जुड़ा रहता है, मेहनत करता है, तो वो मुहद्दिस मुफस्सिर, वाइज, खतीब सब कुछ बन जाता है। तो दोस्तों मदरसे से निकलने के बाद हमें भी इल्म में घुसना चाहिए, और सिराज मुनीर बनने की बड़ी जरूरत है दोस्तों। इसीलिए ये 5 चीजें हमने आपके सामने रखा, शायद वक्त अभी खत्म हो रहा है, लेकिन एक चीज और आप हजरात के सामने हम रख देते हैं कि ये हमें अब 5 चीजें अपने अंदर पैदा करनी है। अल उलमा और असतुल अंबिया के हम मिज़दाक बनेंगे, व नबी शाह नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते थे, अलमा और असतुल अंबिया। लोग समझते हैं इल्म आ गया नबी का वारिस बन गया, कहते नहीं, इल्म आ जाने के बाद 3 चीजें इंसान अपने अंदर पैदा करेगा तब वो नबी का वारिस बनता है। नंबर 1 इल्म के मुताबिक अमल हो, नंबर 2 नबी का अखलाक हो, नंबर 3 नबी की दावत आगे बढ़ाने वाला इंसान है, ऐसे आलिम को कहा जाता है, ये नबी का सच्चा वारिस है। अल उलमा व रसतुल अंबिया। और तकरीबन इसी चीज की तरफ इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह ने भी इशारा किया है। अल्लाह ताला हम सबको मल की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों हम आखिर में फिर अपील करेंगे कि बहुत ही जरूरत है मनहज का ख्याल रखें, दावत हमारी मनहजी हो, दावत हमारी फिदा में ना हो, गवाही ना हो, बल्कि हम तरकीज करें मनहज किताबुल्लाह सुन्नत रसूल और मनहज शरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर हमारे लिए जो मुकर्रर किया है वो मनहज मुकर्रर किया है। आज वो कहते हैं मनहज मनहज, अहले हदीस चीखते चिल्लाते, दोस्तों हम नहीं चीखते, कुरान ऐलान कर रहा है कि लोगों मनहज की पाबंदी करो। सूरतुल माईदा के आए लेकुन लिंजालना मिनकुम शिरअतं व मिनहाजा, तुम में से हर एक उम्मत के लिए अल्लाह ने एक शरीयत मुकर्रर की है, दूसरा मिनहाज मुकर्रर किया है। इमाम उल हिंद मौला अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह ने और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बहुत पहले कहते थे, तजबा करते ही शायद का लिकुल जालना मिनकुम शिरअतं व मिनहाजा, हमने शरीयत मुकर्रर की है और एक तरीका मुकर्रर किया है। गोया कि दोस्तों हम अमल करने में, दावत देने में, बुलाने में आजाद नहीं है, हमें मनहज की पाबंदी करना है। लेकुल लिंजालना मिनकुम शिरअतं व मिनहाजा। इसीलिए सूरह शूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन पाबंद किया, फरमाया फलिदालिके फदउ वस्तकिम कमा उमिरता, फलिदालिके फदउ, ऐ नबी आप इसी की दावत दे, किसकी, शिरअ और मिनहाज की दावत दे, मनहज की दावत दे, दावत मनहजी होनी चाहिए, बातें मनहजी होनी चाहिए। फलिदाली के फदो वस्तकीम,
ऐ नबी आप इसी की तरफ लोगों को बुलाएं और इसी पर आप डटे रहें, कमा उमिरता जैसे कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, वला तत्तबे अहवाहुम, हैं अहले बिदात अरे अहले हवा के पसंद उनकी बातों की तबा ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मौके पर इरशाद फरमाया ये सूरह जासिया के अंदर, सुम्म जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अम्र फत्तबिहा, आपके लिए एक शरीयत एक मनहज मुकर्रर किया गया है, आप उसी की पाबंदी करें, उसी पर अमल करें, उसी की दावत दें, उसी की तालीम दें। तो दोस्तों बहुत ही जरूरत है कि हमारे अंदर दावत का जज्बा पैदा हो, खुसूसन इस जमाने में। बड़ी प्यारी बात किसी ने अल्लामा इकबाल कहते थे, खुदी रा तेग तरमी खां जो महमिल रा गिरा बीनी नवारा तलख तरमीजन जुजो के नगम कमयाबी। अल्लाह ताला हमारे अंदर शौक और जज्बा पैदा कर दे। आखिर में फिर हम मुबारकबादी पेश करते हैं अपनी शहरी जमीयत बनारस, और ये इसके मुस्तहिक हैं। बल्कि ये चीज आपको बता दें कि 1906 में जब मौलाना सनाउल्लाह, मौलाना अबू इसहाक इब्राहिम आरवी, इन तमाम बड़े हाफिज अब्दुल्ला आल इंडिया अहले दीस्तान फ्रंट्स मुकर्रर किए थे, तो सबसे पहला दाई आपके बनारस शहर का था, पूरे हिंदुस्तान का दाई। ये आपको ये फख्र हासिल है। आप तो बहुत दिन के बाद ये तरबेती प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ये काम तो आपको बहुत पहले करना था। यहां से दावत का एक रास्ता खुला था। सबसे पहला दाई सुबह मरकजी जमीयत अहले हदीस की तरफ मुकर्रर हुआ था, वो बनारस के जमाती आदमी थे, वो अफराद थे। और ये भी बताएं, आप पूरी तारीख पढ़ें, अहले हदीस और मसलक के खिलाफ जब भी कोई फितना उठा है तो तकरीबन सबसे पहले उसकी तरदीद बनारस से होती रही है। जहां मुर्कलेन हदीस का और तरह तरह की फितने आम होने लगे हैं, शेखुल इस्लाम मौना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह, अगर किसी को इन अहले बिदात और अहले मुनकरात के खिलाफ लिखने या उसकी तरदीद करने का हुक्म देते थे, वो बनारस के हमारे उलमा हुआ करते थे। यहां तक कि हदीस के खिलाफ जब आवाज उठी तो मौना शमसुज़्ज़हक इमामबादी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह मुबारक, निगाह दूरबीन, उनकी भी निगाह बनारस में पड़ी कि बनारस के मशायख मुखलिस और उलमा हैं, उनके जरिए इन चीजों की तर्दीद कराई जाए। अगमादी हमने जो असलाफ से मीराई सफाई थी, जवाजम जमी पर आसमाने हमको दे पटका, हम अपने असलाफ के किरदार उनकी कोशिशों को याद करें, बयान करें, और हम अपने उनके जैसे बनने की कोशिश करें। हम सलफ के बेहतरीन खलफ बने, सलफ के खल्फ न बने, वरना मिसाक हो जाएंगे। फखलफ इबाद खल्फ नदाउसला व तब शहवात फसौफ़ैया। अल्लाह ताला ने ये उलमा जो दावत तबलीग का काम करें, नबी के वारिस बनते हैं, अल्लाह ताला अल्लाह रसूल इनको भी बेसत कलब इन नमा वो इस तुम बेसत कलब इस्तेमाल किया है। गोया कि ये किताब सुन्नत के अगर आप दाई हैं तो अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए मुंतखब कर लिया है। हुवा जितबाह वजाहिदु फिल्लाहि हक जिहादी हुवा इस्तबाकुम, अपनी सारी कोशिश किताब सुन्नत और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दो। क्यों? रब ने तुमको इस काम के लिए मुंतखब कर लिया है। मिन्नत मने की खिदमत सुल्तान हमें को नहीं, मिन्नत शनातदू की बखिदमत बदास्तक। अल्लाह ताला हम सबको दाई बनाए और सच्चा दाई बनाए, मनहरी दाई बनाए, और अपने असलाफ सलफ का मनहज उजागर करने और इस दुनिया में आम करने की तौफीक दे। अकूल कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। Thank you.